नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और पहाड़ों में धूप आ चुकी है। बढ़िया क्लीन वेदर आज खुला हुआ है, आसमान में क्लाउड है नहीं, बढ़िया धूप खिली हुई है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, डेयरी पर जा रहा हूँ दूध की बाल्टी लेके, और सामने है कसैलिक मार्केट। ये देखिए मस्त व्यू आ रहा है, बढ़िया। अभी हल्के हल्के क्लाउड आ चुके हैं सामने का सले मार्केट। तो दूध पहुंचाते हैं और उसके बाद धुलाई करनी है घास की। कल रहेगी थी हमारी घास, थोड़ी बहुत धुलाई हुई है, बाकी रहेगी थी। तो दूध पहुंचाते हैं फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये है हमारी लोकल दूध की डेयरी, जहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ और दूध अभी तोलेंगे। और देखिए केन आधी भरी हुई है। और ये है हमारी कसैलिक दूध डेयरी पूरा नाम। तो दूध यहाँ पर भरते हैं और उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ। और सामने देखिए मुक्तेश्वर घाटी के पास में बढ़िया हिमालय देखने को मिल रहा है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया हिमालय। तो फ्रेंड ये थी हमारी वो घास जो कल हम यहाँ पर लाए हुए थे। 3 राउंड तो कल हमने लगा दिए थे, तो इतनी घास रह गई है। सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत इसको ढोल लेते हैं तो पूरी घास हमारे घर पे आ जाएगी। फाइनली दोस्तों अभी हमने घास पूरी स्टॉक कर ली है रोड से, जो मैं सुबह आपको दिखा रहा था। ये देखिए यह है, इसको बोलते हैं लोठा पहाड़ी में। तो इसी प्रकार घास स्टॉक करी जाती है पहाड़ में। और अभी बज रहे हैं 2:30, कुछ घास यहाँ पर स्टॉक कर ली लोठा, जिसको लोठा बनाकर। और बाकी की घास ये रही, इस तरफ स्टॉक कर ली है, इसको भी आगे लूठे में तब्दील करा जाएगा, लूठा बनाया जाएगा। तो पूरी घास हमने रोड से उठा ली है, थोड़ी बहुत कल उठ गई थी, 3 राउंड हमने लगाए। थोड़ा चलना भी होता है दोस्तों, जो ये सामने आपको एरिया दिख रहा है इससे भी थोड़ा आगे जाना पड़ता है। ये जो धार जैसी एक धार बोलते हैं हम, इस धार से पल्ली धार दूसरी धार पे रोड है, वहाँ से हम लाए घास को। तो कल 3 राउंड लगा पाए, तो बाकी पूरा स्टॉक हमने कर लिया है। तो मैं अब चलूँगा चकुटा के लिए। काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है, बढ़िया धूप खिली हुई है, चकुटा हो रहा है साइड पे काम। तो लंच करके मैं जाता हूँ चकुटा की तरफ। जो कल घास आई इन्हीं गायों के लिए कल घास आई हुई थी, आप देख सकते हैं, और पूरा हमने स्टॉक कर लिया। फ्रेंड मैं घर से निकल चुका हूँ चकुटा के लिए, और सामने देखिए जो एंगल दिख रहे हैं आपको, ये देखिए यह मस्त सेब का बगीचा, और ऊपर जितने भी पेड़ देख रहे हैं आड़ू का बगीचा। तो ये जो नीचे खेत देख रहे हैं इस पर जुताई होगी, फिर आलू की तैयारी होगी। ये देखिए ऊपर भी जो सारे पेड़ देख रहे हैं, ये है आड़ू और सेब का पेड़, जिनकी आजकल छटाई चल रही है। और ये पास में मस्त ऑर्गेनिक खाद गोबर की, ये देखिए फ्रेंड मस्त छटाई होगी है आड़ू के पेड़ों की। और खेतों की भी तैयारी चल रही है, खेत क्लीन करे जा रहे हैं। तो फ्रेंड ये है सामने का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। एक भी बादल देखे आज आसमान में नज़र नहीं आ रहा है। पिछले दिनों लगातार बारिशें हो रही थी, पता नहीं पहाड़ों के मौसम में क्या समझ में नहीं आ पाता है, इसी प्रकार पहाड़ों का मौसम होता है। तो मुझे जाना है सामने, ऊपर जो कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको चकुटा साइड में, तो निकलते हैं। फ्रेंड मैं पहुँचने वाला हूँ कसैलिक मार्केट। सामने है कसैलिक मार्केट, और देखिए आसपास की लोकेशन, बढ़िया धूप खिली हुई है। और कसैलिक मार्केट में देख के यहाँ से लग रहा है कि सुनसानी हुई है, क्योंकि कस्टमर तो आ नहीं रहा है, टूरिस्ट आ नहीं रहा है। देखिए रोडें भी सुनसान पड़ी हुई हैं। ये है नीचे भालुवाड़ वाटरफॉल रोड, और पास में मस्त किसी ने घोड़े यहाँ पे चढ़ने के लिए छोड़े हुए हैं, 2 घोड़े हैं, तो इनको पार करते हैं। तो फ्रेंड पहुँचता हूँ कसैलिक मार्केट में। कसैलिक मार्केट में दिखाता हूँ कि क्या चहल पहल हुई है। लगता है बाहरी जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है आज बहुत कम आया हुआ है, वही आ रहे होंगे जिनका पर्सनली कुछ काम होगा यहाँ पे। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कसैलिक मार्केट में। ये सामने शिवालय मंदिर, मैं हूँ नीलकंठ रेस्टोरेंट के वहाँ पे। और देखिए कसैलिक मार्केट में भी शांति छाई हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट कम आया हुआ है। और यहाँ से देखने को मिल रहा है हिमालय, काफ़ी मस्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए काफ़ी बढ़िया हिमालय देखने को मिल रहा है मुक्तेश्वर घाटी के सामने में, ये देखिए। और नीचे पूरा गाँव बसा है, सुनकिया गाँव, दाड़ीमा गाँव। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है अभी दोपहर के समय में कसैलिक मार्केट से। हिमालय व्यू कैसा लगा, और ये है कसैलिक मार्केट पे अभी शांति का नज़ारा। तो मैं पहुंच चुका हूं चकुटा पे। ये हमारे पास में सेमजू महाराज जी का मंदिर। तो इसी के बगल में जो ये आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के जस्ट नीचे हमारी चली हुई है साइट, और खूबसूरत मंदिर है, और बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ चकुटा साइट पे, और यहाँ पर चल रहा है काम। आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है ईंटा की चिनाई, जो ये कॉलम्स डाले हुए हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था किस प्रकार यहाँ पर काम हुआ और क्या आगे को काम होना है। तो जो ये जगह थी दीवार की, तो यहाँ पर ईंटा की दीवार की चिनाई स्टार्ट हो चुकी है, और फिर बाद में इस पर लेंटर आएगा और लेंटर की तैयारी करी जाएगी। तो ये है नज़ारा अभी चकुटा पर, जो साइट पर काम चल रहा है। और देखिए रिटेनिंग वॉल ये वाली कंप्लीट हो चुकी है, और ऊपर मिट्टी की फिलअप करी जा रही है, मिट्टी भरी जा रही है।
और पीछे भी एक बुनियाद आने वाली है, मैंने पिछले भी आपको बताया, पीछे रिटेनिंग वॉल आएगी और ये पूरा एक ग्राउंड लेवल आ जाएगा, एक बढ़िया फ्लैट प्लॉट जैसा निकल जाएगा। और नीचे जो ईंटों की चिनाई चल रही है वो मैंने आपको दिखाई। और व्यू काफ़ी मस्त देखने को मिल रहा है अभी दोपहर के समय में, दोपहर का 2:30 बज रहा है, काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है। आसमान में हल्के हल्के क्लाउड भी आ चुके हैं और धूप खिली हुई है, बढ़िया काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और देखिए यहाँ पर काम चला हुआ है, नीचे ईंटों की यहाँ पर चिनाई हो रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल के लेवल, कॉलम के लेवल, इसकी चिनाई होगी, फिर इस पर लेंटर आ जाएगा। शाम का समय है, 4:30 का टाइम हो रहा है अभी, तो आधे घंटे का समय और रह गया है काम का। और खूबसूरत व्यू आ रहा है, धूप काफ़ी हल्की हो चुकी है, आसमान में अभी क्लाउड आ चुके हैं। देखिए थोड़ी देर पहले आसमान बिल्कुल क्लीन था दोपहर के समय में, शाम होते होते थोड़े बहुत क्लाउड आ चुके हैं आसमान में। तो आधा घंटा रह गया है, फिर चलेंगे घर की तरफ और लास्ट में दिखाऊँगा काम किस प्रकार आज यहाँ पर। तो फ्रेंड फाइनली शाम का समय हो चुका है और काम से हो चुकी है छुट्टी। और देखिए काम जो हुआ आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मिट्टी भरी गई है, ऊपर से मिट्टी जो खुदाई हुई थी, ऊपर रिटेनिंग वॉल के लिए नींव खुदाई हो रही है, उससे मिट्टी की निकली और यहाँ पर फिलअप करी इस रिटेनिंग वॉल के लिए, ताकि ऊपर एक ग्राउंड मिले। और नीचे हुई है ईंटा की चिनाई, मैं आपको ले चल रहा हूँ नीचे। ये देखिए फ्रेंड, ये ईंटा की चिनाई हुई है, ये कॉलम भरा गया है सामने में, ये देखिए। तो इसकी चिनाई होगी करीब 9-9.5 फीट, तो उस पर आएगा लेंटर। और सामने का मस्त व्यू आ रहा है, देखिए चाँद ऊपर से दिखाई देने लग गया है पहाड़ी के ऊपर। ये भी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो निकलेंगे कसियालेख के लिए, तो खूबसूरत व्यू अभी आ रहा है, तो निकलते हैं, काम की छुट्टी हो चुकी है, हम भी निकलते हैं घर की तरफ को। और भाई रेडी हो चुका है बाइक लेके, तो चलते हैं घर की तरफ को। दोस्तों कसियालेख से निकल चुका हूँ घर की तरफ को, और साथ में सामान ले जा रहा हूँ कुछ। काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है अभी पहाड़ों में, किसी चीज़ का अभी एहसास हो रहा है तो केवल शांति का एहसास हो रहा है अभी। काफ़ी बढ़िया व्यू, सनसेट हो चुका है और देखिए चांद आसमान में एकदम पहाड़ी के ऊपर से आपको लग रहा होगा। तो चलते हैं घर की तरफ। मैं घर पे पहुंच चुका हूं, समय हो रहा है लगभग 6 बजने वाले हैं, और मैं पहले आपको व्यू दिखाता हूं, काफ़ी खूबसूरत व्यू। जो मेरे पीछे आपको एक पहाड़ी दिख रही है, खूबसूरत यहां से चांद निकल रहा है अभी, मैं आपको दिखाता हूं, आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। तो पहले व्यू देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है पहाड़ी के ऊपर ही चांद आ गया है। तो बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है, घर पे पहुंच चुका हूं मैं, और कुछ इस प्रकार के अभी शाम के नज़ारे हैं। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा जूम कर लिया मैंने, और क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है, मस्त चाँद निकल चुका है। क्या इस प्रकार शहरों में आपको कभी चाँद निकलते हुए दिखता है, हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो ये नज़ारे हैं अभी, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे शाम के समय में। तो दिन भर का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा। सनसेट हो चुका है इस तरफ को, जहां आपको ऊंची पहाड़ियों पे अभी धूप की किरणें उजाला टाइप का नज़र आ रहा होगा, तो इसी तरफ को सनसेट हुआ है, तो बेहतरीन नज़ारे और काफ़ी शांति इस समय पहाड़ों पे। तो दोस्तों घर पे मस्त आग जला रखी है भाई लोगों ने, और साथ में बच्चे सेक रहे हैं। मनु कैसा लग रहा है तेरे को, बता जल्दी बता, पुष्कर भी सामने मस्त होकर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार अभी पहाड़ों में शाम का समय है, तो ठंडा हो रहा है, तो आग सेकते हैं थोड़ी देर। और नीचे भाई ने पूरी घास इकट्ठा कर ली यहाँ पे, देखिए जो मैंने सुबह आपको दिखाई थी, तो पूरा काम यहाँ पे कर लिया है भाई ने, देखिए। तो ये हैं अभी शाम के समय बेहतरीन नज़ारे। तो फ्रेंड फाइनली पहाड़ों पर हो चुका है अंधेरा, फुल पैक हो चुका है अंधेरा, और हम लोग अभी आग सेक ही रहे हैं, काफ़ी देर हो चुकी है हमें आग सेकते सेकते, और अभी चाय पी रहे हैं। देखिए आग के साथ चाय का मज़ा ही कुछ अलग है, चाय और ब्रेड, और साथ में सेक रहे हैं मस्त आग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिन भर का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आसमान में भी मस्त चाँद अभी दिखाई देने लगा है। तो एंड करते हैं यहीं पर अपने ब्लॉग को, तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय।